हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अनुकौशिक स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अनुकौशिक मेकअप आर्टिस्ट में। जैसा कि फ्रेंड आज है सकट चौथ, ठीक है। किन किन लेडीजों ने या मेरी बहनों ने व्रत रखा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये भी बताइए कि आज आपने क्या क्या पहना है, ठीक है जी। और चलते हैं, जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको, तो हम करने जा रहे हैं आई मेकअप। ओके, नेचुरल सा आई मेकअप करेंगे हम। हाँ, एक बात और फ्रेंड, मैंने आपको अपनी पैलेट नहीं दिखाई है। ये है मेरी पैलेट, ठीक है जी। इसमें सारे शेड हैं। आप अगर मुझसे पूछना चाहें कि बिगनर्स के लिए कौन सी पैलेट अच्छी है, तो वो भी मैं बताऊंगी आपको। मेरी साड़ी का कलर येलो है, तो मैं आईबॉल पे येलो शेड दूंगी, ठीक है जी। पीछे कुछ रेड सा। नेचुरल सा शेड देंगे, ज़्यादा भड़कीली आंखें नहीं करेंगे। ओके जी, पोज बदल। हाँ जी, तो ये हम लगा रहे हैं मस्कारा, और मैंने लाइनर भी लगा लिया था, ठीक है जी। आईलैशेज मैं नहीं लगा रही हूँ, फिर किसी और वीडियो में आपको आईलैशेज का लुक दिखाऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब शुरू करते हैं हम अपना फेस मेकअप। दाग धब्बे को कैसे हाइड करते हैं, अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे तो मैं पक्का आपको बताऊंगी। और ये है मेरा फाउंडेशन। फाउंडेशन कौन सी कंपनी का है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं पक्का बताऊंगी आपको कि कैसे यूज करते हैं। ये हमने एक पंप फाउंडेशन लिया है, ठीक है जी। और फाउंडेशन को डॉट डॉट करके लगाते हैं फेस पे। फुल कवरेज फाउंडेशन के बारे में भी अगर आप पूछेंगे तो मैं उसके बारे में भी पक्का आपको बताऊंगी, ठीक है जी। ब्यूटी ब्लेंडर से आप इसको टैप टैप करके फाउंडेशन के बाद हमें अपने फाउंडेशन को लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप किसी भी फेस पाउडर या लूज पाउडर से अपने फाउंडेशन को लॉक करेंगे। अगर लॉक करते हैं ना, तो फिर ये लॉन्ग टाइम तक चलता है। सर्दियों में तो काफ़ी टाइम तक, गर्मियों में भी चलता है, बट सर्दियों में तो काफ़ी। मेरा फाउंडेशन काफ़ी लॉन्ग टाइम स्टे करता है, 10-12 घंटे मैक्सिमम। इतना कुछ किया है तो भाई, लेडीजों का ब्लश तो बनता है, लेडीज हो या गर्ल्स, तो जी करते हैं अब थोड़ा सा ब्लश। साड़ी के कलर से मैच करते हुए मैं लगाने जा रही हूँ लिपस्टिक रेड कलर की। ये लिक्विड लिपस्टिक है और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम स्टे करती है। लिपस्टिक कौन सी अगर आप पूछना चाहें तो मैं वो भी बताऊंगी आपको,
ठीक है जी। वेस्टाकर थ्री, देखिए जी, तो फिर ये है मेरा फाइनल लुक। किसी चीज की कमी रह गई? हाँ जी, कमी रह गई है ये बिंदिया की, है ना जी, ये तो 10 फाइनल। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मुझे आज आप बताइए कि आज व्रत है सकट चौथ का, और सकट चौथ का व्रत किसके लिए रखा जाता है? आप जिसका भी आंसर सही आएगा उसको मिलेगा एक अच्छा सा गिफ्ट प्राइज, वो भी मेरी तरफ से। हाँ जी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए मेरे सवाल का आंसर, और देखते हैं कौन क्या जीतता है। विनर का अनाउंसमेंट करूंगी कल, तो मिलते हैं कल। नहीं फ्रेंड्स, ये था मेरा फाइनल लुक, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।